तो हर किसी को अपनी लाइफ में एक बेबी चाहिए होता है, अपने फ्यूचर के सहारे या उम्मीद या फिर अपनी खुशी के लिए। लेकिन हर किसी को यह खुशी नहीं मिलती है। कुछ लोग तो इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो एक बेबी पाने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। और हमारी आज की कहानी इन्हीं सब बातों पर आधारित है। वार्निंग, वेलकम टू हॉररलैंड। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। शुरुआत में हम देखते हैं कि रेचल और मैट दोनों हस्बैंड वाइफ थे और रेचल असल में प्रेग्नेंट थी। दोनों किसी जगह पर जा रहे थे और अनजाने में मैट से कार का एक्सीडेंट हो जाता है और एक पेड़ की टहनी उनकी कार पर आ गिरती है। अब उनकी कार आगे नहीं चल सकती थी और वहाँ पर सिग्नल भी नहीं मिलता है, तो मैट एक पेड़ पर चढ़कर सिग्नल को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन तब भी सिग्नल नहीं मिलता है। और फिर मैट को कुछ दूर पे एक फार्म और एक घर नजर आता है। दोनों पैदल ही उस फार्म की तरफ आने लगते हैं और रास्ते में उनको एक बोर्ड भी दिखाई देता है जहाँ पर प्राइवेट प्रॉपर्टी में घुसने को मना किया गया था। और दोनों ही अपनी हालत से मजबूर थे तो वे दोनों फिर भी आगे बढ़ते हैं। फिर कुछ ही टाइम में दोनों उस फार्म तक आ जाते हैं और उसी समय उनके पास में कार में बॉबी आता है जो कि उनको वहाँ से निकल जाने को कहता है। मैट उसे अपनी प्रॉब्लम बताने लगता है, लेकिन फिर भी बॉबी उसे वहाँ से निकल जाने को कह रहा था। लेकिन जब बॉबी प्रेग्नेंट रेचल को देखता है तो अचानक उसका बिहेवियर चेंज होकर अच्छा और स्वीट हो जाता है। मैट जब उससे मदद के लिए फ़ोन मांगता है तो बॉबी बहाना बनाता है कि तूफान की वजह से फ़ोन का कनेक्शन खराब हो चुका है, तो जब तक कंडीशन ठीक नहीं हो वे दोनों उनके घर पर आराम कर सकते हैं। अब मैट और रेचल भी इस बात को मान गए थे। बॉबी अपनी पत्नी एग्नेस को कॉल करके बताता है कि उनके घर पर कुछ मेहमान आने वाले हैं। पहले तो एग्नेस इस बात को मना कर देती है, पर जब उसे पता चलता है कि रेचल प्रेग्नेंट है और उसका बेबी एक बॉय होने वाला है, तो वो खुशी से उन दोनों को अपने घर पर लाने को कह देती है। रास्ते में रेचल एक काले कपड़े पहने एक लड़की को देखती है। रेचल और मैट जब उनके घर पर पहुंचते हैं तब एग्नेस और उसके बेटे ल्यूक और डेविड बहुत अच्छे से उनका वेलकम करते हैं और उनको एक बहुत ही अच्छा रूम भी रहने के लिए दिया जाता है। रेचल और मैट इन सब चीज़ों से काफ़ी खुश थे और यहाँ पर हम देख पाते हैं कि एग्नेस उन दोनों की बातों को छुप छुप कर सुन रही है। रूम की खिड़की से रेचल को फिर से वही लड़की नजर आती है, पर जब मैट उस तरफ देखता है तो वहाँ पर कोई नहीं था। अब फिर दोनों एग्नेस की फैमिली के साथ डिनर करते हैं और तभी रेचल उसी लड़की की फ़ोटो को एग्नेस और बॉबी के साथ में नोटिस करती है। रेचल उस लड़की के बारे में उनसे पूछ लेती है और एग्नेस के अनुसार वो लड़की उसकी बेटी फेथ है और वो डिनर के लिए आज उनके साथ में नहीं थी। असल में एग्नेस और बॉबी का कोई अपना बेबी हुआ ही नहीं था और फेथ डेविड और ल्यूक को उन दोनों ने अडॉप्ट किया था। खाना खाते समय बॉबी डेविड और ल्यूक पर बहुत बुरी तरीके से चिल्लाता है जो कि रेचल और मैट को बहुत अजीब लग रहा था। रेचल को अब एग्नेस की फैमिली पर कुछ शक पैदा हो रहा था जिसकी वजह से रेचल वहाँ से अब निकलना चाहती थी। उसको बार बार ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उनकी बातें सुन रहा है। मैट फिर डोर के बाहर देखता है तो उसे कोई नजर नहीं आता है और अब रेचल बहुत ज़्यादा थक गई थी तो मैट उसे सुला देता है। रेचल को सपना आता है कि फेथ अपने पेरेंट की डेड बॉडी के पास में रो रही है और उसके पेरेंट्स एग्नेस और बॉबी नहीं थे। रेचल डर कर अपने सपने से उठ जाती है और वो मैट को बताने लगती है वो लड़की असल में फेथ नहीं एली है जो कुछ टाइम पहले गायब हुई थी। रेचल को पूरा यकीन था कि एग्नेस की फैमिली ने ही एली की फैमिली के साथ में कुछ बुरा किया है। रेचल अब एक सेकंड भी वहाँ पर नहीं रुकना चाहती थी। ये सब जानने के बाद में मैट भी रेचल को लेकर वहाँ से निकलने लगता है, लेकिन वहाँ का दरवाज़ा बंद था। फिर वहाँ पर पड़ी हुई चाबी की मदद से मैट उस दरवाजे को खोल लेता है। चाबी की आवाज़ सुनकर बॉबी वहाँ पर आता है, लेकिन वो उनको नहीं रोकता है। रेचल और मैट वहाँ से निकलने वाले थे, पर बाहर डेविड और ल्यूक गन लेकर उनका इंतज़ार कर रहे थे और वे लोग दोनों को मारकर बेहोश कर देते हैं। रेचल को जब होश आता है तो वो खुद के हाथ को बंधा हुआ पाती है और एग्नेस उसके पास ही बैठी हुई थी। वो एग्नेस से मैट के बारे में पूछती है और एग्नेस उसे बताती है कि मैट अब इससे बेहतर जगह पर है। यहाँ पर डेविड और ल्यूक ने मैट को बिना कपड़ों के कॉफिन में डालकर उसे जिंदा ही दफनाने लगते हैं और ल्यूक एक लाइटर को भी कॉफिन में डालकर वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पर रेचल को लेबर पेन हो रहा था और एग्नेस उसकी डिलीवरी सक्सेसफुली करवा लेती है, लेकिन रेचल एक बेटे को जन्म देती है ना कि एक बेटे को, जिससे कि एग्नेस बहुत ज़्यादा निराश हो गई थी। और फिर भी वो बेबी को रेचल से दूर लेकर चली जाती है। रेचल किसी तरीके से खुद को आज़ाद करती है और वो एक क्रॉस लेकर पहले की तरफ बेड पर लेट जाती है। एग्नेस जब उसके पास में उसका दूध निकालने आती है तो रेचल एग्नेस पर वार करके वहाँ से भागने की कोशिश करती है,
लेकिन उसकी कोशिश सफल नहीं होती है और सभी लोग उसे फिर से पकड़कर बांध देते हैं। यहाँ पर हमें यह भी पता चलता है कि एग्नेस और बॉबी ने मिलकर फेथ, ड्यूक और ल्यूक सभी के पेरेंट्स को मार दिया है और फिर उनको अपना बच्चा बना लिया है। और असल में एग्नेस का ऐसा मानना था कि उनके जैसे अच्छे पेरेंट्स पूरी दुनिया में नहीं है। रेचल को फिर से फार्म के अंदर बंद कर दिया जाता है और जबरदस्ती उसके ब्रेस्ट से दूध निकाला जाता है। अब इस तरफ कॉफिन के अंदर मैट को होश में आने पर पता लगता है कि उसे जिंदा ही जमीन में गाड़ दिया गया है और किसी तरह वो कोशिश करके उस कॉफिन से बाहर निकलता है। वो मदद के लिए चिल्लाता है पर आसपास कोई भी नहीं था और कुछ दूर रास्ता भटकने के बाद में उसे एक लेक मिलती है। लेक के किनारे कुछ कपड़े पड़ गए थे और खुद को साफ करके वो कपड़े पहन लेता है। अब थोड़ी दूर जाने के बाद में मैट को दो ट्रैवलर मिलते हैं और वो उनको अपनी आपबीती बताकर उनसे मदद मांगता है, लेकिन वे दोनों मैट की हालत को देखकर ये समझते हैं कि उसने ड्रिंक कर रखी होगी और कोई रास्ता न मिलने पर मैट उन दोनों पर हमला करके उनको बांध देता है और उनके कपड़े और कुछ ज़रूरी सामान लेकर वहाँ से आगे बढ़ता है। लेकिन जाने से पहले मैट उनके पास में एक चाकू छोड़ देता है ताकि वे दोनों खुद को आज़ाद कर पाए। इधर ल्यूक और डेविड एग्नेस के सामने एक डील रखते हैं। एग्नेस को एक बेबी बॉय चाहिए था लेकिन रेचल ने एक लड़की को जन्म दिया था और उस हिसाब से अगर एग्नेस को बेबी बॉय चाहिए तो वो दोनों रेचल के साथ में इंटीमेट होकर उसे प्रेग्नेंट कर सकते हैं। लेकिन उनकी इन सब बातों को सुनकर एग्नेस उन दोनों को गाली देकर वहाँ से भगा देती है। ल्यूक और डेविड ने भी इंटीमेसी को कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया था तो वे दोनों फार्म के अंदर जाकर रेचल के साथ में ज़बरदस्ती करने लगते हैं। पर तब तक वहाँ पर मैट आ चुका था और डेविड और ल्यूक को वो जान से मार डालता है। दोनों फिर से एक दूसरे को देखकर बहुत ज़्यादा खुश थे और रेचल मैट को उनकी बेटी के बारे में बताती है और अपनी बेटी के बारे में सुनकर मैट बहुत ज़्यादा खुश होता है। वो रेचल को वहाँ से आज़ाद करता है और घर के अंदर एग्नेस और बॉबी को फार्म में से आवाज़ें सुनाई दे रही थी और एली उनका ध्यान भटकाने के लिए एक कांच का ग्लास तोड़ देती है। रेचल और मैट वहाँ से निकलने वाले थे कि तभी बॉबी गन लेकर उनके सामने आ गया था और अपनी वाइफ को बचाने के लिए मैट खुद पर ही उस गोली का वार सह लेता है और देखते ही देखते रेचल के सामने मैट मारा जाता है। मैट अपने आखिरी टाइम में अपनी बेटी को भी नहीं देख पाता है और बॉबी फिर से रेचल को मारकर उसे बेहोश कर देता है। होश में आने पर रेचल देखती है कि उसके साथ में अब एली को भी बांध कर रखा गया है। अब घर में एग्नेस अपने बेटे डेविड और ल्यूक की डेड बॉडी का मेकअप करवा रही थी और बॉबी उसे समझाता है कि वे दोनों मर चुके हैं और उनका अंतिम संस्कार करना ही ज़्यादा ठीक होगा। और फिर एग्नेस दिल पर पत्थर रखकर इस बात को मान जाती है। दोनों फिर डेविड और ल्यूक की डेड बॉडीज को दफना देते हैं। हम यहाँ पर एक और ग्रेव को देख पाते हैं और ये ग्रेव किसकी है ये रास्ता तो आपको मूवी के आगे ही पता चलेगा। एग्नेस वहीं पर कुछ देर के लिए रुक जाती है लेकिन बॉबी घर की तरफ आने लगता है और तब तक रेचल और एली ने खुद को आज़ाद कर लिया था। रेचल घर के अंदर जाकर अपनी बेटी को पहली बार अपने गोद में लेती है और तभी वहाँ पर बॉबी भी आ जाता है और वो फार्म में देखता है कि रेचल वहाँ पर नहीं है। वो गन लेकर घर के अंदर आता है। रेचल बॉबी को देखकर उससे अपनी बेटी को बस एक बार दूध पिलाने की परमिशन मांगती है। बॉबी भी इस बात के लिए राजी हो जाता है और मौका देखकर रेचल बॉबी को चाकू मारकर उसे मौत के घाट उतार देती है और बॉबी के फ़ोन से वो पुलिस को कॉल भी कर देती है। इधर एग्नेस भी घर तक आ गई थी और फार्म की हालत देखकर ये समझ जाती है कि वहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर हुई है और गन लेकर घर के बाहर रेचल का वेट करती है। रेचल फिर एली और अपनी बेटी को लेकर कार में बैठ जाती है लेकिन कार की चाबी वहाँ पर नहीं थी। एग्नेस रेचल को मारने के लिए गन लेकर उसी की तरफ आती है और रेचल अपनी बेटी को बचाने के लिए कार से उतरकर गन को लेकर एग्नेस को मारने के लिए आती है। दोनों के बीच में गोलीबारी होती है जिसमें रेचल को अपने पैर और हाथों पर गोली भी लगती है लेकिन फिर भी वो एग्नेस को अपनी बेटी की तरफ जाने से रोकती है और वो एग्नेस को मार मार कर उसे बेहोश कर देती है। ये सब चल ही रहा था कि तब तक वहाँ पर पुलिस भी अब आ चुकी थी। एग्नेस फिर से रेचल को गोली मारने के लिए आती है पर इस बार पुलिस एग्नेस को शूट करके उसे पहले ही मार देती है। सब कुछ ठीक होने के बाद में रेचल पुलिस को उसके पास में बैठी हुई एली के बारे में बताती है लेकिन पुलिस के मुताबिक वहाँ पर रेचल के अलावा और कोई नहीं था और इसी कन्फ्यूजन के साथ में ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों मूवी में बॉबी और एग्नेस का कोई भी बेबी नहीं था और अगर वो चाहते तो सही तरीके से एक बेबी को अडॉप्ट भी कर सकते थे लेकिन बेबी की तलाश में उन्होंने दूसरे पेरेंट्स से उनका बेबी छीनकर उसे अपना बना लिया और बाद में उन बेबी के पेरेंट को भी मार दिया जैसा कि एली ल्यूक और डेविड के पेरेंट्स के साथ में किया था।
मैट और रेचल के साथ भी वे लोग यही करना चाहते थे। मूवी में दिखाई गई जो तीसरी ग्रेव थी वो किसी और की नहीं बल्कि एली की ही थी। एली को भी उन लोगों ने मार दिया था क्योंकि एली एक लड़की थी, और जो एली रेचल को दिखाई दे रही थी वो असल में एक आत्मा थी जो कि रेचल की हर कदम पर मदद कर रही थी, ताकि जो उसके और उसके पेरेंट्स के साथ में हुआ है वो और किसी के साथ भी ना हो, और एक माँ कभी भी अपने बच्चे के लिए नहीं तड़पे। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन? मूवी बहुत ही ट्विस्टिंग है, और अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। मैं वहाँ पर अपने द्वारा एक्सप्लेन की गई मूवीज़ को अपलोड करता रहता हूँ, लेकिन इसके बदले में आपको पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और नीचे कमेंट करके ये भी बताना होगा कि मैं अगला वीडियो किस मूवी के ऊपर लेकर आऊँ।